सही डिसीजन लोगे तो लाइफ अच्छी होगी। हमारा एक गलत डिसीजन और पूरी लाइफ बर्बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी लाइफ में सही डिसीजन लेना कितना मायने रखता है। क्या खाना है से लेके जॉब, करियर, शादी जैसे बड़े बड़े फैसले हमारा एक राइट डिसीजन डिसाइड करता है। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हम कहीं कोई गलत फैसला ना ले लें। और कभी कभी हम लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। लाइफ में सही डिसीजन लेना एक मेथड है जो हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम डिसाइड करें क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को जानेंगे तो वी कैन बी अ गुड डिसीजन मेकर। राइट डिसीजन मेकर बनने का सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड योर गोल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि अपने पर्पस को ढूंढना, अपने आप से पूछना कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो व्हाट इज़ माय मेन पर्पस फॉर दिस। ऐसा करने से हमें हिडन रीजंस मिलते हैं कि हमें पर्टिकुलर वो डिसीजन क्यों लेना चाहिए। सेकेंडली, ये जानना भी ज़रूरी है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं अभी उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स या उसके आउटकम्स फ्यूचर में कैसे होंगे, और इससे हमें उस डिसीजन का एंड इम्पैक्ट पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि ऐसा करने से हम अपने आप को या किसी दूसरे को अफेक्ट तो नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स भी पता चलेंगे। थर्ड स्टेप में वी हैव टू फिगर आउट व्हाट वी डोंट नो, क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते। इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो अननोन फैक्टर्स क्या हैं, और जब हम ये फिगर आउट कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे मूव करना इजी हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि आगे हमें कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। और याद रहे, जितने ज़्यादा फैक्ट्स हमें पता होंगे उतना ही अच्छा डिसीजन हम ले पाएंगे। लेट्स से जब भी हम किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में खाने जाते हैं तो हम वहाँ जाने से पहले अपने कितने फ्रेंड से पूछते हैं ना कि वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का बेस्ट क्विजीन क्या है जो मैं टेस्ट कर सकूँ, या वो कितना पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े है, रेस्टोरेंट है। सेम इसी वे में हमें यहाँ पर भी अपना सेम माइंड दौड़ाना पड़ेगा। एंड द लास्ट, अपनी पुरानी मिस्टेक्स के बारे में सोचो एंड एनालाइज करो। इट्स नॉट ईजी टू फेस मिस्टेक्स, बट ऐसा करने से हम अपने आप को, अपने फ्यूचर सेल्फ को अवेयर कर देते हैं। और ये बेस्ट है अगर हम अपनी उसी सेम मिस्टेक्स को याद करें जो हमने पास्ट में की थी, तो हम उससे ये एनालाइज कर सकते हैं, उससे अपने आप को उसी सेम सिचुएशन में डाल सकते हैं जहाँ पर हम पहले थे। हम देख सकते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम हमसे मिस्टेक हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके हम रीजंस जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम कहाँ गलत थे और अभी हमें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलो इसको भी पुराने एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं। सपोज़ करो कि आप पहले, जब आपने पास्ट में ये मिस्टेक की थी, आपने अपने किसी भी फ्रेंड से फीडबैक नहीं लिया था, आपने कोई ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट कैफ़े के बारे में सर्च नहीं किया था, आप सीधा वहाँ खाने चले गए, लेकिन आपको वहाँ पर खाना पसंद नहीं आया और वो आपको पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं लगा। लेकिन आपको यहाँ इस बार ये समझ में आ सकता है कि मैं लास्ट टाइम किसी का फीडबैक नहीं लेकर गया था तो मेरे साथ वो हुआ, लेकिन इस टाइम मुझे क्या करना है ये मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है। अब जब आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो आपके पास एक रोड मैप होगा, आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव से लेके सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन होगी, और उन डेटा पॉइंट से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी दैट हाउ योर फ्यूचर विल लुक लाइक इफ़ यू मूव विद दिस ऑप्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक प्रोसेस है, हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हमेशा सही डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, हम हमेशा सही फैसले लेते रहेंगे। कभी कभी हमसे गलती भी होगी, कभी कभी हमारे कुछ डिसीजन गलत भी हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम मोर अवेयर रहेंगे, अपने सेंसेस को यूज़ करेंगे बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। और जब कभी हम गलत भी होंगे तो हम अपने आप को सही कर पाएंगे, उस मिस्टेक से सीख पाएंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और अब फाइनली, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको डेली कंटेंट अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है।
तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।